हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, खास करके जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है परीक्षा शिक्षकों के लिए, उसमें किस तरह के शिक्षकों की क्या अर्हता होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, और उस बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे। एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा 19 मई को, तो उसी में जो है सभी कोटि के शिक्षकों के लिए जो है यह दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि जैसे में लिखा गया है कि जो नियमावली है उसके नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद के लिए, जो अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है, और उसी के समकक्ष में विद्यालय अध्यापक पद के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसी के हिसाब से ये होगा, और उसको जो है विस्तार से जो है इसमें बताया गया है। तो जो पहला कोटि है वो ये है कि जो 12वीं तक के शिक्षक हैं उनके लिए है, 11वीं से 12वीं तक के लिए दिया गया है। आप इसको आराम से देख लीजिए, आराम से जो जो भी आप पढ़ सकते हैं कि इसके लिए अध्यापक समान विषय के लिए जो है आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम जो है 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसको पीजी का डिग्री होना चाहिए, और एनसीटी से अप्रूव्ड उसको बीएड होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड। और यही जो है इसी के समकक्ष सारी बातें जो होंगी वो 11 से 12 क्लास के अध्यापक के लिए होंगी। इसके बाद जो दूसरा है कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। फिर कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो है क्या होगा, कंप्यूटर शिक्षक के लिए इसी तरह से कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी दिया गया है, क्योंकि जो प्लस 2 स्कूल है उसमें कंप्यूटर शिक्षक होंगे। उसके लिए जो है फिर जो स्नातकोत्तर की उपाधि होगी एवं जो है उसको बीएड होना चाहिए, जो भी योग्यता है। इसके बाद उसी तरह से आप अन्य जो विषय के शिक्षक हैं, जैसे कृषि शिक्षक के लिए, चूंकि कृषि भी एक विषय है, तो कृषि शिक्षक के लिए अलग से जो जिस तरह से है कि वो कृषि में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, इसी तरह से सारा कृषि शिक्षक हो गया। फिर जाकर के आप देख सकते हैं कि जो इसके आगे जो समान जो 9 से 10 वाले क्लास के लिए होगा, ये अब हो गया, ये तो हो गया था 11th 12th, और 9 से 10 वाले के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो है उसी तरह से जो है स्नातक इसको रखा गया, उसमें पीजी रखा गया था, इसमें स्नातक और बीएड रखा गया है। और इसमें भी अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं, अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं, जैसे शारीरिक शिक्षक हैं, 9 से 10 वाले स्कूल में शारीरिक शिक्षक होते हैं, तो शारीरिक शिक्षक हैं यहाँ पर, शारीरिक शिक्षक के लिए उसी तरह से दिया गया है। फिर इसके बाद तब जाकर के जो है इसके बाद आपको मिलेंगे जो शिक्षक का है वो है, शारीरिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन का लंबा चौड़ा है, संगीत विषय के शिक्षक के लिए 9 से 10 के लिए है, संगीत के लिए, ललित कला के लिए है, संगीत के लिए विषय के लिए है, सॉरी, इसके बाद ललित कला के लिए है, संगीत ललित कला विषय के लिए उसी तरह से है। फिर इसके बाद और आगे आप देखेंगे तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो 9th 10th में जो स्कूल में टीचर होंगे उसको अलग अलग किया गया है, जो गणित के शिक्षक होंगे, गणित के शिक्षक होंगे, इसके बाद गणित के शिक्षक होंगे, और फिर जो है विज्ञान के शिक्षक होंगे, सामाजिक विज्ञान के होंगे, और इसके साथ साथ जो शिक्षक होंगे वो भाषा के होंगे, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ भाषा के शिक्षक होंगे। और सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ये आप सबके पास भी पहुंचा होगा। आप ये कॉमर्स वाले शिक्षक के लिए है, कॉमर्स के लिए जो होंगे शिक्षक वो होंगे। ये हो गया 9th 10th, 11th 12th का पहले हुआ था। अब आ रहा है कि जो मूल कोटि के 1 से 5th क्लास के लिए है उसके लिए क्या एजुकेशन होगा, उसके लिए उस कोटि के शिक्षकों के लिए भी अर्हता दी गई है कि न्यूनतम जो है 50% के साथ जो है प्लस 2 होना चाहिए, और या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो भी है, फिर
ये सब सारी है, आप सब भी इसको देख चुके हैं। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली जो है फिर 6 से 8 वाले में, ये तो 1 से 5 वाले एक समान शिक्षक होंगे, फिर 6 से 8 के लिए 3 तरह के टीचर होंगे, 3 तरह के टीचर होंगे 6 से 8 के लिए। एक होंगे जो गणित के शिक्षक, गणित एवं विज्ञान के कंबाइंड टीचर होंगे, सामाजिक विज्ञान के अलग टीचर और भाषा के अलग टीचर होंगे। भाषा में अलग अलग हो सकता है, हिंदी भाषा हो सकता है, उर्दू भाषा हो सकता है, बंगला हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, तो ये अलग जो है इस तरह से होंगे, और ये 6 से 8 वाले शिक्षक हो जाएंगे। फिर इसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक की होंगे, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, खास करके जो 1 से 5th में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, और उसके लिए भी अलग से जो है योग्यता निर्धारित की गई है। उसमें आप खास करके जो देख रहे हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां से डीएलएड होना चाहिए, पुनर्वास संस्थान से। ये इसके बाद जो स्नातक कोटि के होंगे विशेष विद्यालय अध्यापक, जो 6 से 8 वाले के लिए भी डिसेबल्ड जो टीचर होंगे वो स्नातक कोटि संवर्ग के होंगे, उनके लिए भी उसी तरह का क्वालिफिकेशन है। तो जो है आप क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा तो इस तरह से जो है, इस तरह से सभी वर्ग के कोटि के शिक्षकों के लिए जो है यह दिया हुआ है। मैं एक बार इसको जो है शुरू से लास्ट तक धीरे धीरे आपको कर देता हूं, आप इसको एक बार जो है आराम से जो है इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, जहां भी जिनको है कि ये देखना है, पीडीएफ भी आप लोगों के पास होगा, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है, उसमें भी होगा, ठीक है? तो जहां जिनको कंफ्यूजन है, अब ये समझ रहे हैं, और पहले से भी आपको पता है, तो अब ये कोई विशेष विषय नहीं रह गया है क्वालिफिकेशन को लेकर के। एक बात यह है कि एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 19 अगस्त तय किया गया है, तो आप उस हिसाब से जो है अपना अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे, और जल्द ही नोटिफिकेशन भी आएगा, और फिर हम लोग उसको खास करके जो तैयारी है, जो समान विषय है हमारा, जो पेपर 1 है, देखिए पेपर 1 को लेकर के बहुत ज्यादा आप दुविधा में नहीं रहे। पेपर 1 के लिए जो मैंने जो देखा है, उसमें दो बातों को ध्यान में रखना है पेपर 1 में, कि पेपर 1 चूंकि क्वालिफाइंग है, इसको आप जल्दी से इसको समझ लीजिएगा। तो जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी के लिए चूंकि वही बात है कि 1 से लेके 5th तक के जो टीचर होंगे, वही 11th 12th के लिए भी सेम क्वेश्चन है, तो भाषा के स्तर पर इसमें हिंदी में व्याकरण वगैरह पूछा जाएगा, तो चूंकि वो प्रश्न 1 से 5th वाले टीचर के लिए भी आसान होने चाहिए एटलीस्ट। तो आप जो है कम से कम जो देखिएगा, ये वाली किताब जो है सबों के पास है, नवोदय प्रतियोगिता में स्कूल में जो एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें भी भाषा एक खंड है, आप उसमें जाकर के देखिए, तो उसमें आपको भाषा में व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप और उससे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो वहां आपको दोनों चीज मिल जाएगा, डिटेल में आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा, और फिर जो है आप उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, तो काफी आसानी होगा, क्योंकि वह 5th पास स्टूडेंट उसको सॉल्व करता है नवोदय में, 7th 6th में एडमिशन के लिए, तो निश्चित तौर पर आप यदि वहां तक पहुंच लेते हैं, तो मेरा मानना है कि पेपर 1 में जो है ये जो 75 क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन के लिए मैंने जो पहले भी कहा था कि 1 से लेके 5th तक जो सरकारी स्कूल में जो इंग्लिश की किताब है, उसको यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग को आप यदि समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां 25 प्रश्न भी हो जाएगा। तो ये दो बातें हुई, हम लोग नेक्स्ट रिलेशन में जो है हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हिंदी के कौन कौन टॉपिक्स हैं और क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे, थैंक यू।